से खबर आ रही है पीएमयू कोविड 19 हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल से कूदकर हेड कांस्टेबल ने की आत्महत्या। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। मुरादाबाद के टीएमयू कोविड हॉस्पिटल में शनिवार की रात हेड कांस्टेबल दिवाकर शर्मा द्वारा की गई आत्महत्या के बाद मुरादाबाद के पुलिस ने पूरे मामले की जांच बैठाते हुए उनकी बॉडी का पंचनामा कराते हुए कोविड नियमों के अनुसार पोस्टमार्टम कराकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। टीएमयू की 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने वाले हेड कांस्टेबल दिवाकर शर्मा की मौत के बाद टीएमयू पर जांच का घेरा बढ़ गया है। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर आज दोपहर उनका पोस्टमार्टम कराया और कोविड नियमों के अनुसार पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर उनके एक परिजन ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने सांस में परेशानी की बात तो कही थी, लेकिन कल शाम वो ठीक थे। मुरादाबाद के टीएमयू हॉस्पिटल में आत्महत्या का ये तीसरा मामला है। इससे पहले भी एक महिला व पुरुष ने अस्पताल की मंजिल से कूदकर आत्महत्या की थी। मुरादाबाद से लोकेश सिंह की रिपोर्ट। प्रमोद शंकर, ये मेरे पत्नी के छोटे भाई हैं, पुलिस में उत्तर प्रदेश पुलिस में ये सर्विस करते थे। परसों इन्होंने बताया था कि हमारे लिए कोरोना पॉजिटिव हुआ है और अभी हम घर पे ही हैं। कल इनका फोन आया कि वो क्या नाम है, भैया जी मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मैं जा रहा हूँ। ये तुरंत अस्पताल आए और शाम 5:30 बजे मेरी बात हुई थी तो मुझसे कह रहे थे आप, मैंने कहा अगर कोई दिक्कत ज़्यादा करो तो मैं आ जाऊँ, तो मुझसे ये कह दिया कि नहीं भैया जी आप चिंता मत करो। और उसके बाद में हुई थी गए तो इस तरह से बताया गया क्या है, हमें तो ये बताया गया है कि साहब ये एकदम इनका दिमाग का संतुलन जो है वो खराब हो गया और ये गिर पड़े। बाकी का तो अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि डेथ कैसे हुई। क्या लगता है सर, एक 20 दिन के अंदर तीन लोग टीएमयू से गिर जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, हमको ऐसा लगता है कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था इस तरह की कोई है ही नहीं। अगर कम से कम उतना बड़े वैसे मरीज आते हैं तो उनके लिए कम से कम 4 दीवारी बनाई जाए, खिड़कियों में जो जंगले हैं उनमें खिड़की लगवाई जाए ताकि कोई आदमी इस तरह की हरकत करे तो बचा जा सके उससे। लापरवाही मानते इसमें साहब, लापरवाही है ही। क्या आपकी बहन से आपकी बात हुई थी, कोई लाभ क्यों आया और कोई बात हुई है उनकी? मेरी पत्नी मेरे साथ में है, तो बात हुई थी उनके भाई से। हाँ, भाई से बात हुई थी, यही कह रहे थे कि लड़ी भी ठीक हूँ। ठीक, लास्ट टाइम कब बात हुई थी, क्या आइडिया? वही 5 बजे बात हुई, 5:30 बजे के लगभग। इस दिन क्या कल शाम? हाँ जी, लेकिन ये हादसा होने वाला जी। अच्छा, ठीक बात कर रहे हैं। हाँ जी, हमसे सही बात करी।